एसुस आरओजी 8 स्मार्टफोन अंडर अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इम्प्रेशन। तो देन हम बॉक्स को पिन कर लेते हैं एंड आपको दिखाते हैं स्मार्टफोन का पूरा ओवरव्यू एंड अनबॉक्सिंग के साथ में कैसा लुक मिल जाता है। तो देन बॉक्स को पिन करने के बाद नेक्स्ट में ब्लैक कलर का लीड मिल जाता है और नेक्स्ट में दोस्तों सिम इजेक्टर टूल, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं और नेक्स्ट में यूएसबी टाइप सी डाटा केबल दोस्तों मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेबल रहने वाली है। और नेक्स्ट में दोस्तों हमें एक हेडफोन मिल जाती जो कि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूविंग है एंड हेडफोन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आपको मिल जाते हैं क्वालिटी के वाले। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पे एक फास्ट एडाप्टर मिल जाता है स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए एंड देख सकते हो इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको मिल जाती है। नेक्स्ट में यहाँ पे कनेक्टर मिल जाता है यूएसबी वाला टाइप सी का एंड बस। तो चाहे स्मार्टफोन की तरफ चलते हैं और स्मार्टफोन में दिखाते हैं आपको इस फ़ोन के अंदर में 6.82 इंचेस का यहाँ पे 392 ppi की एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है एसुस आरओजी फोन 8 में। एंड ये स्मार्टफोन दोस्तों आप देख सकते हो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश नहीं बल्कि 165 का हर्ट्ज रिफ्रेश आपको इस फोन के अंदर प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट में दोस्तों इस फोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेबल रहने वाली है। और इस स्मार्टफोन में दो वेरिएंट मिलेंगे 6GB यानी 16GB के साथ 512 GB वाला स्टोरेज वेरिएंट आपको मिल जाता है। स्मार्टफोन दोस्तों सपोर्ट इन इंडिया में रहना है 5G वाला एंड गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है एंड साथ में आपको दिया गया है इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर एंड डुअल बॉल्टी यानी कि 5G या 4G यहाँ पे डबल सिस्टम यहाँ पे डुअल सिम का स्लॉट मिल जाएगा वगैरह। और स्मार्टफोन में दोस्तों आपने देखे होंगे बहुत सारे स्मार्टफोन जो लॉन्च होते हैं बट यहाँ पे एसुस की तरफ से बहुत धमाकेदार कड़ाकेदार स्मार्टफोन रहने वाला है एंड ये स्मार्टफोन काफ़ी दमदार के साथ में स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाता है 6000 mAh की बैटरी एंड स्मार्टफोन में जो 108 MP का ये कैमरा सेटअप प्राइमरी सेंसर मिल जाता है जो कि क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा 32 MP का फ्रंट कैमरा जो कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 वाला चिपसेट आपको मिल जाता है क्योंकि ये स्मार्टफोन बहुत सारे स्मार्टफोन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग के साथ में देखने के लिए मिल जाते हैं। और एसुस के तरफ से बहुत अच्छे पावरफुल स्मार्टफोन वगैरह होते हैं बट इसमें वगैरह कोई इशू वगैरह नहीं रहता है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइंस वगैरह स्मार्टफोन दिए जाते हैं।